नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शन पहला कहता है द एनर्जी ऑफ एनी स्मॉल पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग कांस्टेंट इन अ ट्रैवलिंग वेव तो एनी स्मॉल पार्ट ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट इन अ ट्रैवलिंग वेव दूसरा है एनर्जी ऑफ एनी स्मॉल पार्ट ऑफ ऑफ अ अ स्ट्रिंग एनी स्मॉल पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन अ स्टैंडिंग वेव तीसरा कहता है एनर्जीज ऑफ ऑल द स्मॉल पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ आर इक्वल इन ट्रेवलिंग वेव ऑल द स्मॉल आर ऑफ इक्वल लेंथ आर इक्वल इन ट्रेवलिंग वेव चौथा यह था एनर्जीज ऑफ ऑल द स्मॉल पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ आर इक्वल इन अ स्टैंडिंग वेव नाउ अगेन कॉन्सेप्ट चल सवाल है इसमें कुछ कुछ बेसिक्स मैं आपके क्लियर करता हूँ सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ये आपकी ट्रैवलिंग वेव है ट्रैवलिंग वेव ये है कि आपने एक रस्सी ली उसमें एक वेव मान लो ऐसे प्रोड्यूस की ये मेरे हाथ में एंड है यहाँ से मैंने उसको ऐसे ऐसे घुमाया है अब एक पल्स प्रोड्यूस हो गई यहाँ पे तो वो पल्स जो है आपकी मान लीजिए ऐसे पल्स हुई ये ट्रेवल करके यहाँ से यहाँ जा रही है ना इस सिनेरियो में ट्रैवलिंग वेव की जब हम बात करेंगे तो ट्रेवलिंग वेव में आपकी एनर्जी कंजर्व नहीं होती है बिकॉज एनर्जी ऑफकोर्स यहाँ पे कनेटिंग एनर्जी जब मैक्सिमम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होती है और जब कानीटिक एनर्जी जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी तो ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी कंजर्व नहीं होगी फॉर द सिंपल रीजन कि एनर्जी क्योंकि ट्रैवल कर रही है तो देर नो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी कॉन्सेप्ट कंजर्व करने का सो so ये पहला स्टेटमेंट आपका सही नहीं है दूसरा कहता है सिमिलरली एनर्जीज ऑफ ऑल स्मॉल पार्ट इक्वल एंड ट्रैवलिंग वेव ये भी आपका स्टेटमेंट सही नहीं होएगा नेक्स्ट uh, बात करते हैं स्टैंडिंग वेव की तो स्टैंडिंग वेव में क्या करते हैं हम यहाँ पे एक वेव आपने ऐसे प्रोड्यूस की है ये वेव पहले ऐसे ट्रैवल की फिक्स एंड में टकरा के फिर ये वापस आई है तो फिर वापस आके इसको मैं दूसरे कलर में बना लेता हूँ सो तो फिर वापस आके वेव ऐसे आपकी दूसरी शेप ले रही है तो यहाँ पर एट एनी इंस्टेंस अगर आपकी स्टैंडिंग uh, वेव uh, में देखेंगे एट एनी इंस्टेंस या तो रस्सी ऐसे हो सकती है या डबल एम्प्लीट्यूड के साथ ऐसे हो गई या फिर ऐसे या फिर डबल एम्पलीट्यूड के साथ आपकी रस्सी ऐसे हो सकती है या आपकी अलग अलग स्नेरियो क्या तो रस्सी ऐसे या डबल एम्पलीट्यूड के साथ ऐसे फिर ऐसे और डबल एम्पलीट्यूड के साथ ऐसे ये आपकी स्टैंडिंग वेव का किसी एक इंस्टेंस पे रस्सी की लोकेशन होएगी और ऑफ कोर्स समवेयर इन बिटवीन भी हो सकती है ठीक है ये आपकी इसके बीच में भी लोकेशन रस्सी की हो सकती है न इस स्नेरियो में हम ये कहते हैं कि एनर्जी ऑफ एनी स्मॉल पार्ट ऑफ स्ट्रिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट तो उस सिनेरियो में अगर आप देखेंगे कि इस इस छोटे से पार्ट का अगर आप देखेंगे तो उसमें आपकी एनर्जी कंजर्व होगी तो जो एनर्जी क्योंकि यहाँ पे ट्रेवल नहीं कर रही है क्योंकि एनर्जी यहाँ जाके टकरा के वापस आई है तो उस वेव की एनर्जी कानेटिक पोटेंशियल पोटेंशियल कैनेटिक में कन्वर्ट होती है और एनर्जी हर स्मॉल पोर्शन का आपका कंजर्व होएगा सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन चौथा स्टेटमेंट कहता है एनर्जी ऑफ ऑल द स्मॉल पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ तो इसका चौथे स्टेटमेंट है इसका मतलब ये कि अगर मान लो हमने एक मीटर की या एक फुट की या वट एक पर्टिकुलर लेंथ की हमने बात की है तो उसका एनर्जी कंजर्व होएगा बट यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हर पॉइंट का आपका एनर्जी का कंजर्वेशन होगा ऐसा नहीं है कि एक मीटर में यहाँ पे कम हो रही है यहाँ ज्यादा होगी नहीं हर पोर्शन की एनर्जी आपकी कंजर्व होएगी सो ऑप्शन टू इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट यहाँ पे। सो दैट मीन्स ऑप्शन टू जो है एनर्जी ऑफ एनी स्मॉल पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग रिमेंस कॉन्स्टेंट इन अ स्टैंडिंग वेव दिस विल बी द राइट आंसर